एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वह फिर नहीं आते। ऐसा ही कुछ अटल जी के जाने से महसूस हो रहा है। अटल जी का जाना एक युग का अंत है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। शुक्रवार को देर शाम अटल जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। अब उनकी यादें ही सिर्फ स्मृतियों में रह गई हैं। पूरे जिले में शोक की लहर है। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सड़कें सुनसान थी। सभी के हृदय में अटल जी की यादें हैं, जिसे सोचने मात्र से ही व्यक्ति गमजादा हो जाता है। अटल जी की तो बहुत सी यादें हैं और अब सोच के मुझे बहुत दुख होता है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। ऐसे व्यक्तित्व जिनको किसी जात में आप नहीं बांध सकते, किसी धर्म में नहीं बांध सकते, आज पूरा देश रो रहा है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ऐसे व्यक्तित्व के लिए केवल और केवल हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि दोबारा जीवन ऐसे व्यक्तित्व को इस धरा पर फिर आए और हम लोगों को फिर से पुनः आशीर्वाद इस धरा को मिले, भारत देश फिर से गौरवान्वित महसूस करे। अटल जी जैसा व्यक्तित्व पुनः इतनी जल्दी आ नहीं सकता मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोगों की जो भावनाएं हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की भावनाएं काबू में रहें और हम लोग भगवान से पुनः प्रार्थना करते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व इस धरा पर पुनः आए। भारत की विविधता में एकता और साझी विरासत के पुरोधा थे वो। सच्चे अर्थों में भारत के अनमोल रत्न थे। उनके निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है और इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होती है। उन्होंने अपने लेखन में देश, काल, समय, हिंदुत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं टोपी नहीं लगाता, मैं ईद नहीं मनाता। उनका हिंदुत्व उदार का हिंदुत्व था और वो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानने वाले लोग थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विलक्षण महापुरुष थे जिन्होंने शून्य से शिखर तक का अपना स्थान निश्चित किया और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया। आज ऐसी महान विभूति हम सबके बीच में नहीं है। मैं उनका देश के लिए बिल्कुल हीरा थे और मेरे ख्याल से मेरे भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे उनके जो मुकाबला कर सके। उनके बारे में एक चीज़ एक शब्द नायक हीरे की तरह है, उनकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता।